आज मैं आपको दिखाऊंगा दो मेथड्स अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एंड पीपीसी कैंपेन्स को सेटअप करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एक बात पहले समझ लें, आपको दोनों मेथड्स यूज करके कीवर्ड्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट कीवर्ड्स देंगे एंड उन दोनों मेथड से जो कीवर्ड्स आएंगे उनको कंबाइन करके हम फाइनल कीवर्ड लिस्ट बनाएंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो फर्स्ट मेथड दिखाने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमें एक्चुअली कीवर्ड्स चाहिए क्यों, क्यों हमें कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत है। और अभी जब मैं आगे आपको कीवर्ड रिसर्च दिखाऊंगा तो उसमें क्या चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना है। तो एज एन अमेज़न सेलर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है कि हमारी ऑर्गेनिक रैंक कम से कम हो, जिससे हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी हाई हो, हमारे ऑर्गेनिक सेल्स हाई हो, अल्टीमेटली हम प्रॉफिटेबल हो। तो हम कीवर्ड रिसर्च इसलिए करते हैं जिससे हमें वो कीवर्ड्स मिल जाएं जिन पर हम ऑर्गेनिकली रैंक होना चाहते हैं, और इन कीवर्ड्स को हम अपनी लिस्टिंग में यूज करेंगे एज अ SEO, so that ये keywords Amazon में इंडेक्स हो जाएं। और साथ में इन keywords को हम PPC campaigns का यूज करके टारगेट भी करेंगे to get sales velocity and then organic rankings। अब बात करते हैं कि keyword research करते वक्त हमें किन चीजों पर फोकस करना है। दो criterias हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला, keyword product related या relevant होना चाहिए। दूसरा, keyword का सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। तो अगर keyword हमारे प्रोडक्ट के लिए relevant नहीं है या उसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है तो उसको हम टारगेट नहीं करेंगे, ना ही लिस्टिंग में यूज करेंगे और ना ही पीपीसी कैंपेन्स में। तो फर्स्ट मेथड के लिए हम यूज करेंगे हीलियम 10 के मैग्नेट टूल का। अगर आप सच में अमेज़न बिजनेस में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो दिस टूल इज मस्ट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पर और दिखाता हूं फर्स्ट मेथड। तो जब आप हीलियम 10 पर अकाउंट बना लेंगे तो कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप जाएंगे सबसे पहले टूल सेक्शन में और आप देखोगे यहां पे कीवर्ड रिसर्च के अंदर मैग्नेट टूल आ रहा है। ठीक है, दिस इज अ कीवर्ड रिसर्च टूल बाय हीलियम 10। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, जिस भी मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं। तो हम इंडिया मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं तो amazon.in सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट का रूट कीवर्ड डालेंगे या सीड कीवर्ड डालेंगे। रूट कीवर्ड या सीड कीवर्ड वो होता है जो हमारे प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट तरीके से डिफाइन करता है। तो लेट सपोज हम एक वाटर बॉटल बेचना चाहते हैं, लेकिन जो वो वाटर बॉटल है वो वुडन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वुडन वाटर बॉटल एंड देन वी गेट द कीवर्ड्स। तो अब होता क्या है कि जब आप गेट कीवर्ड्स करते हैं तो हीलियम आपको वुडन वाटर बॉटल जो आपका सीड कीवर्ड है उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, वो चाहे डायरेक्टली रिलेटेड हो, इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, लूजली रिलेटेड हो, वो सारे कीवर्ड्स आपको दिखा देगा। ठीक है, तो हम नीचे आएंगे तो आप देखोगे वुडन वाटर बॉटल पे जो सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड पे वो 496 है। ठीक है, इसके अलावा टोटल कीवर्ड्स जो आपको इससे रिलेटेड मिल रहे हैं वो है ऑलमोस्ट 1400। ठीक है, ऑर्गेनिक 69। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो अब ऑब्वियसली हमारे पास ऑलमोस्ट 1400 कीवर्ड्स हैं, तो इनको तो हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली अपनी लिस्टिंग में। तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे हमें लिस्टिंग्स में से डेटा क्लीन करना होगा। क्लीन कैसे होगा? जो दो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। पहला, इनमें से वो कीवर्ड्स हटाने हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है। दूसरा, जिनका सर्च वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट से जो रेलिवेंट नहीं है वो कैसे हो सकते हैं? जैसे ग्लास वाटर बॉटल है या किसी में कुछ ब्रांड नेम होगा तो वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। और दूसरे वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनके सर्च वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम इन फिल्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्च वॉल्यूम का यूज करेंगे। कुछ क्राइटेरिया याद रखिए, अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट है और जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्चेज होते हैं, बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ सर्चेज है, तो आपको कम से कम जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम लेना है वो लेना है 500। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपका थोड़ा लो डिमांड प्रोडक्ट है जहाँ पे नंबर ऑफ सर्चेस कम हो रही है तो आपको मिनिमम सर्च वॉल्यूम लेना है 100। ठीक है, मेरे को यहाँ पे 1400 कीवर्ड्स ऑलमोस्ट मिले हैं तो मेरे को लगता है ये डिसेंट नंबर है, इसलिए आई विल गो विद 200। ठीक है, 200 यहाँ पे नंबर डालने के बाद हम इसको अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आउट ऑफ 1400 जो हमारे कीवर्ड्स थे उसमें से सिर्फ 310 कीवर्ड्स बचे हैं। ठीक है, बट स्टिल ये हमने जो सॉर्टिंग करी है, जो हमने यहाँ से इररिलेवेंट कीवर्ड्स हटाए हैं वो हमने सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे हटाए हैं। नेक्स्ट जो हमें और इसकी फर्दर फिल्टरिंग करनी है वो करेंगे हम मैच टाइप बेसिस पे। ठीक है, मैच टाइप बेसिस पे हम ऑर्गेनिक सेलेक्ट करेंगे कि ऑर्गेनिकली कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें अच्छी रैंक दे सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड अप्लाई फिल्टर्स पे फिर से क्लिक करें। तो आप देखोगे कि आपके पास सिर्फ 20 ऐसे कीवर्ड्स बचे हैं जो कि हाईली रेलिवेंट हैं और जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है। बट रिमेंबर, मैंने जैसे पहले बताया कि अभी भी इसमें ऐसे कीवर्ड्स होंगे
जो आपके प्रोडक्ट्स के लिए रेलिवेंट नहीं है और हो सकता है उसमें दूसरे ब्रांड्स के नाम हो। तो जैसे सिग्नोरा वेयर, ये एक ब्रांड नेम है, तो इसको आप अपनी लिस्टिंग्स में यूज नहीं कर सकते। हालांकि आप इसको पीपीसी कैंपेन्स में एज अ ब्रांड टारगेट जरूर कर सकते हैं, बट अगर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है तो इस कीवर्ड को आप अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली ये ग्लास वाटर बॉटल है जो कि नहीं था हमारा कीवर्ड, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वुडन बॉटल फॉर वाटर, दिस इज अ गुड कीवर्ड, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे बैम्बू बॉटल्स, ये हम ले सकते हैं। वुडन वाटर बॉटल हमारा सीड कीवर्ड था, इसको हम ले सकते हैं। बैम्बू बॉटल अच्छा कीवर्ड है, बैम्बू बॉटल 1 लीटर, अगर हमारी बॉटल 1 लीटर की है, एंड बैम्बू वाटर बॉटल अगेन, इसको हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 5-6 कीवर्ड लेने हैं। एंड इसके बाद क्या करना है, जब आपने ये कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया, आउट ऑफ 20 लगता है आपको 6 कीवर्ड मेरे अच्छे हैं जिनको मैं अपने लिस्टिंग्स में यूज करना चाहता हूं, अपने पीपीसी कैंपेन्स में टारगेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जब कीवर्ड्स हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम ऐड टू माय लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे हीलियम आपको एक ऑप्शन देता है कि आप एक फोल्डर बना के उनको लिस्ट में रख सकते हो। तो आप क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहां पे जो आपका सीड कीवर्ड है जो कि था वुडन वाटर बॉटल, उस नाम से आप इसको सेव कर लेंगे। एंड इस तरीके से ये आपका सेव हो चुका है। ओके, तो ये था फर्स्ट मेथड। अब दिखाता हूं आपको मेथड नंबर 2, और एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि फाइनल लिस्ट दोनों मेथड्स का यूज करके ही बनानी है। तो सेकंड मेथड के लिए हम हीलियम 10 के सेरेब्रो टूल का यूज करेंगे, जो एक रिवर्स एसिन लुकअप टूल है जिसमें आपको अपने कॉम्पिटिटर का एसिन डालना होता है। ये टूल आपको वो कीवर्ड्स दे देगा जिस पर आपका कॉम्पिटिटर ऑर्गेनिक एंड स्पॉन्सर्ड रैंक हो रहा है। बेसिकली स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर की किसी कीवर्ड पे ऑर्गेनिक रैंकिंग अच्छी है तो मतलब साफ है कि वो कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, और वो कीवर्ड रेलिवेंट भी है उस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि वो कीवर्ड आपके लिए भी अच्छा परफॉर्म करेगा, एंड आपकी लिस्टिंग एंड पीपीसी कैंपेन्स में वो कीवर्ड्स होना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पर और दिखाता हूं मेथड नंबर 2। तो सबसे पहले हम अमेज़न पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट हम बेचने की सोच रहे हैं या लॉन्च करने की सोच रहे हैं उसका जो सीड कीवर्ड है वो यहाँ पे डालेंगे, विच इज वुडन वाटर बॉटल। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देखोगे कि इस कीवर्ड से रिलेटेड हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्पॉन्सर्ड एड हैं उनको आप इग्नोर कर दें, सिर्फ जो ऑर्गेनिकली रैंक हो रहे हैं सेलर्स और या प्रोडक्ट्स उनको यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, तो आप देखोगे वी बॉट वुडन है, यूनिक बैम्बू बॉटल है, मेसरी है, तो इस तरीके के जितने भी आपसे रिलेटेड जो सेलर्स हैं या जो प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ लगभग 6 कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे खोल लिए हैं। ठीक है, क्यों खोले हैं मैं बता देता हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिवर्स एसिन के लिए हम इन सभी कॉम्पिटिटर्स का हमें एसिन चाहिए होगा। ठीक है, एसिन कॉपी करने का तरीका मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो आप क्या कर सकते हैं, URL में जाके यहाँ पे आपको B से शुरू होता है हमेशा एसिन, वो कॉपी कर सकते हैं। एल्स प्रोडक्ट डिटेल्स पेज में जाके आपको नीचे एसिन मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एंड इस तरीके से भी आप एसिन कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सेल में अपने लिए ये सारे एसिन 6 प्रोडक्ट निकाल के वो एसिन कॉपी कर लिए हैं, एंड आई विल जस्ट कॉपी दीज। इसके बाद आपको हीलियम ओपन करना है, हीलियम डैशबोर्ड में जाके आपको टूल सेक्शन में जाके सेरेब्रो ओपन करना है। ठीक है, तो सेरेब्रो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना मार्केट प्लेस सेलेक्ट करोगे एज यूजुअल हमेशा की तरह, एंड यहाँ पे जितने भी आपने एसिन्स कॉपी किए थे वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो 6 एसिन्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए और गेट कीवर्ड्स पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ ही देर में हीलियम अपना पूरा एल्गोरिथम रन करेगा और ये एसिन्स, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने लिस्टिंग में, वो सारी लिस्ट हमें यहाँ पे दे देगा। तो लिस्ट आ चुकी है, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 1100 प्लस कीवर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको। पहला प्रोडक्ट है वीबॉट, ये आपको दिख रहा है, दूसरा एसिन ये रहा, तीसरा, ये सारे प्रोडक्ट्स के निकाल के इसने हमें एसिन्स दे दिए, ये रहे वो सारे कीवर्ड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला कि हमें हाईली रेलिवेंट एंड जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं वो लेने हैं, और वो कीवर्ड जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है या जिनमें हमारा ब्रांड नेम आ रहा है वो हमारे मतलब का नहीं है, या सर्च वॉल्यूम जिनमें कम है, ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, वो कीवर्ड्स हमारे मतलब के नहीं है, तो उन्हें हमें फिल्टर आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको फिल्टर करेंगे सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे। तो सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे अगर आपका प्रोडक्ट जैसे बहुत ज्यादा हाई डिमांड का है तो ऑब्वियसली टेक इट अराउंड मिनिमम 500, लेकिन अगर बहुत कम है तो 100, एंड अगर ठीक ठाक सा है तो 200 के अराउंड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 200 लेंगे एंड अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करें। तो आप देखोगे जो हमारे 1100 प्लस कीवर्ड्स थे उसमें से सिर्फ 367 कीवर्ड्स बचे हैं, बट स्टिल ये अभी भी बहुत ज्यादा है जिनको हम और फिल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इन कीवर्ड्स को फर्दर फिल्टर आउट करेंगे, जिसके लिए हम 2 पैरामीटर्स का यूज करेंगे, एक है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड दूसरा है कॉम्पिटिटर रैंक।
ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उन वो हमें पर्टिकुलर कीवर्ड्स मिल जाएं जहां पे हमारी रैंकिंग 1 से 20 के बीच में हो, ठीक है, तो हम 1 से 20 यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूज करने वाला पैरामीटर है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जितने आपने लिए हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एसिन्स लिए हैं उसका 1/3 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे 9 एसिन्स लिए होते, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका मिनिमम 3 लेता, ठीक है, तो मुझे उन 9 में से वो 3 कॉम्पिटिटर्स चाहिए जो 1 से 20 में रैंक कर रहे हैं यूजिंग विच कीवर्ड्स, ठीक है, ये पता करने के लिए। लेकिन अभी मैंने क्या लिया है, 6 एसिन्स लिए हैं, तो इसके लिए हम 1/3 क्या होगा, नंबर 2, ठीक है, एंड वी विल अप्लाई फिल्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले 350 के ऊपर जो कीवर्ड्स थे उसमें से 7 हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स आ चुके हैं, विच इज अ वेरी लो नंबर। आप चाहो तो थोड़ा सा फिल्टर को लीनियंट कर सकते हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हो टू गेट मोर कीवर्ड्स आउट ऑफ इट, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप नंबर ऑफ एसिन्स यहाँ पे जब बढ़ा दोगे, तो मान लीजिए आपने 10 कॉम्पिटिटर ले लिए हैं, तब आपका नंबर अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 आ रहा है या 100 आ रहा है, तब आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स को 3 करके भी नंबर सॉर्ट कर सकते हो, तो आपको अराउंड 15 to 20 कीवर्ड्स मिल जाएंगे। बट स्टिल फॉर दिस एग्जांपल आई एम गोइंग विद दिस 7 कीवर्ड्स, ठीक है। अब हम ये मेरे को लगता है कि ये सारे कीवर्ड्स रेलिवेंट हैं, क्योंकि आप देखोगे इसमें बैम्बू बॉटल्स आ रहा है, वुडन बॉटल्स आ रहा है, वो कोई भी ब्रांड नेम नहीं है। तो मैं ये सारे कीवर्ड्स को लेता हूँ एंड ऐड टू माई लिस्ट करूंगा, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक है। तो ये थी वो वुडन वाटर बॉटल वाली, हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों मेथड का यूज करके जो आपने एक लिस्ट बनाई है उसको हम फर्दर यूज करेंगे अपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में एंड पीपीसी कैंपेन्स में। तो अब दोनों मेथड से आपके पास कीवर्ड्स आ चुके हैं, और आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि मैग्नेट मेथड एंड सेरेब्रो मेथड से जो कीवर्ड्स निकाले हैं उनमें से कुछ कीवर्ड्स सेम हैं। एंड क्या होगा जब उन्हें हम अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे, तो नीड नॉट टू वरी, हीलियम डुप्लीकेट कीवर्ड्स को लिस्ट में ऐड ही नहीं करता। मतलब अगर कोई कीवर्ड ऑलरेडी लिस्ट में है और आप उसी कीवर्ड को फिर से ऐड करेंगे तो हीलियम अलाउ ही नहीं करेगा। इस तरह आप दोनों मेथड्स का यूज करके एक कीवर्ड लिस्ट बना सकते हैं जो कि हाईली रेलिवेंट होगी विद गुड सर्च वॉल्यूम, और इस लिस्ट को आप अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं एंड इन पर पीपीसी कैंपेन्स रन कर सकते हैं। अरे अरे अरे, कहां जा रहे हो, जो कीवर्ड लिस्ट बनाई है वो मिलेगी कहां से, वो तो देखते जाओ। तो माय लिस्ट आपको कहां मिलेगी, जहां पे आपने वो लिस्ट सेव करी है, वो उसके लिए आपको टूल सेक्शन में जाना है। यहां पे आपको दिखेगा माय लिस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहां पे भले ही प्रोडक्ट्स लिखा हो, डोंट वरी अबाउट इट, आपको इस पे क्लिक करना है एंड आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट्स लिख के आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन आप उसी के आगे देखोगे कीवर्ड्स लिख के आ रहा है, तो आप उस पे क्लिक करेंगे एंड आपकी जो लिस्ट है वो वहां पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सीएसवी फाइल में, क्लिपबोर्ड में अगर आप कॉपी करने हैं वो कीवर्ड्स, तो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको फिर से कुछ और रिसर्च करना है मैग्नेट में या फ्रैंकस्टाइन टूल में हीलियम के, या इंडेक्स चेकर में हीलियम के, या स्क्रिबल में, तो वो भी आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं। और क्या आपको पता है, इस कीवर्ड लिस्ट का यूज करके आप हीलियम का एक और टूल है स्क्रिबल, जिसमें आप अपनी हाईली ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग बना सकते हो। अगर वो भी सीखना है तो मुझे कमेंट में स्क्रिबल लिखकर जरूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। हीलियम 10 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अभी हीलियम 10 का स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 35% ऑफ मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 31 अक्टूबर तक वैलिड है एंड ये ऑफर प्लैटिनम और डायमंड प्लान दोनों पे है, तो इस अमेजिंग ऑफर को जरूर अवेल करें। और अगर हीलियम से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है तो उसके लिए ये वीडियो तुरंत देख लें।